हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बिकम स्टेनोग्राफर। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में भी हम चैप्टर नंबर 3 इंटरवेनिंग वोवल्स एंड पोजीशन सीखेंगे। सो जैसा कि आपने हमारा पिछले वीडियोस में देखा होगा कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में आपको चैप्टर नंबर 3 इंटरवेनिंग वोवल्स एंड पोजीशन इस चैप्टर के हमने दो पार्ट सीखे हैं, जिनमें हमने आपको बुक में जो चैप्टर दिया गया है उस चैप्टर के रूल्स और एग्जाम्पल्स सिखाए थे। ठीक है फ्रेंड्स, और आज का वीडियो जो है, जो हमारा पार्ट 3 होने वाला है, इस पार्ट में हम जो बुक में लेफ्ट ओवर रूल्स रहे हैं, जो कि आपको बुक में पेज नंबर 15 पे आपको मिल जाएंगे, उन रूल्स को विद एग्जांपल आज के वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए। आइए आज के रूल्स हम सीखते हैं। सो आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए। सो जैसे कि हमने यहाँ पर रूल लिखा है, जो लिखा है हमने, व्हेन द फर्स्ट साउंडेड वोवल इन ए वर्ड is a third place vowel, the outline is written in the third position। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका मतलब क्या है, मतलब समझते हैं कि when the first sounded vowel in a word is a third place vowel। जैसे कि हमने आपको बताया है कि जब भी किसी outline में first place vowel अगर third place vowel होगा, so outline is written in the third position। तो outline जो होगी वो third position में बनाई जाएगी। जैसे कि हमने आपको बताया है third place का vowel on oblique through the line outline बनेगी, यानी कि अगर वर्ड में फर्स्ट प्लेस वोवल थर्ड प्लेस का वोवल होगा, सो आउटलाइन जो होगी वो थर्ड प्लेस पर बनेगी, आई मीन टू से ऑन oblique through the line बनेगी, जो कि हमारी थर्ड पोजीशन रहेगी। जैसा कि हमने आपको सिखाया है, हर आउटलाइन को बनाने के लिए तीन पोजीशन होती है। फर्स्ट पोजीशन होती है जिसमें आउटलाइन अबव द लाइन बनती है फ्रेंड्स, जो सेकेंड पोजीशन होती है उसमें आउटलाइन हमेशा ऑन द लाइन बनती है, और जो थर्ड पोजीशन होती है उसमें आउटलाइन हमेशा ऑन ऑब्लिक थ्रू द लाइन बनती है। अब थ्रू द लाइन, वैसे तो आउटलाइन थ्रू द लाइन ही बनेगी, बट अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आता है और थर्ड प्लेस का वोवल आता है, अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, हमको पता है कि हम उसको थ्रू द लाइन नहीं बना सकते हैं, वो अब नेक्स्ट रूल में हम आपको उसको अच्छे से समझाएंगे। सो इसीलिए हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होता है, बावजूद थर्ड प्लेस का वोवल होने के उसको हमें ऑन द लाइन बनाना होता है। सो अभी हम इसके एग्जाम्पल सीखते हैं। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो भी आउटलाइन में फर्स्ट साउंडेड वोवल होता है उसी के अकॉर्डिंग आउटलाइन डिसाइड होती है कि वो उसकी पोजीशन कहाँ होगी, यानी फर्स्ट प्लेस पे बनेगी पोजीशन, सेकंड प्लेस पे बनेगी या फिर थर्ड प्लेस पे बनेगी पोजीशन। ठीक है फ्रेंड्स, सो अब एग्जाम्पल सीखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है डीम। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ज्वाइंट स्ट्रोक है डी और एम, दो स्ट्रोक है इस वर्ड में। ठीक है, और देखिए जॉइंट स्ट्रोक हो और थर्ड प्लेस का वोवल हो, सो हमने इस बुक में ही हमने चैप्टर में आपको सिखाया था, जब भी किसी वर्ड में दो या दो से अधिक आउटलाइन होती है और थर्ड प्लेस का वोवल होता है, तो पहली आउटलाइन के थर्ड प्लेस पर लगने वाला वोवल दूसरी आउटलाइन के पहले या ऊपर थर्ड प्लेस पर लगता है। ये रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में हमने सीखा है और हमने पिछले वीडियोस में भी आपको सिखाया था। सो यहाँ पे हम वही रूल एप्लीकेबल हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, आप डी और एम दो कंसोनेंट हैं, यहाँ पे देखिए जॉइंट स्ट्रोक है, यानी दो स्ट्रोक हैं, और थर्ड प्लेस का वोवल है ई, डीम हैवी साउंडेड है, सो यानी इट मीन्स इस वर्ड में वी का साउंड आ रहा है, यानी वी का वोवल है। सो आप आउटलाइन थ्रू द लाइन बनाएंगे, सो डी और एम दो कंसोनेंट बनाएंगे हम, ये डी और ये हमने एम बनाया, दो कंसोनेंट बनाया, डी थ्रू द लाइन इसलिए बनाया बिकॉज एज पर रूल आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट साउंडेड वोवल है जो कि थर्ड प्लेस का वोवल है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए डी को थ्रू द लाइन बनाया, आउटलाइन हमेशा थर्ड पोजीशन पे बनेगी, या हमने लिख के बताया। सो थर्ड प्लेस यानी थर्ड पोजीशन पे हमने आउटलाइन बनाई है। अब जो वोवल लगाना है हमें वो दूसरी आउटलाइन के पहले लगाएंगे, क्यों, बिकॉज इसमें देखिए ना आप दो जॉइंट स्ट्रोक है, तो जॉइंट स्ट्रोक होने की वजह से हमने जो फर्स्ट आउटलाइन के थर्ड प्लेस पे वोवल यानी यहाँ पे लगता है डार्क डॉट, वी का साइन जो होता है वो डार्क डॉट होता है, सो अब दूसरी आउटलाइन के पहले लगेगा। सो दूसरी आउटलाइन एम है, तो एम के पहले हम एक डार्क डॉट लगा देंगे। सो ये वर्ड हुआ ड, ई और म, वर्ड हो गया डीम। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल सीखते हैं डिम। आप देखिए डी और एम दो कंसोनेंट है और आई इसका ओवल है, यानी इसके ओवल से इसमें लाइट साउंड हो रहा है, यानी लाइट साउंड है वर्ड में, और लाइट साउंड होने की वजह से आउटलाइन हमेशा थ्रू द लाइन बनेगी बिकॉज इसका वोवल है, यानी इसका वो थर्ड प्लेस का वोवल है। सो डी और एम दो कंसोनेंट बनाएंगे, सो डी हम यहाँ बनाते हैं डी और एम। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको ध्यान रखना है कि जो वी का साउंड इसमें था, वी का साउंड का जो साइन होता है यानी वी का वोवल साइन होता है वो होता है डार्क डॉट,
और जो इज का वोवल साइन होता है वो होता है लाइट डॉट, ठीक है। अब डिम वर्ड में हमने डी और एम दो कॉन्सोनेंट बना दिए, अब ये इज का वोवल भी थर्ड प्लेस का वोवल है, इसी वजह से हम यहाँ पे लाइट डॉट लगाएंगे जो कि थर्ड प्लेस पर लगाएंगे दूसरी आउटलाइन के पहले। सो दूसरी आउटलाइन एम है, एम ए के पहले हमने यहाँ पे एक लाइट डॉट लगा दिया। सो ये वर्ड वर्ड ड ई म, ये लाइट साउंडेड वोवल होता है इज का वोवल। अगर अभी तक आपने हमने जो हमारे चैनल पर वोवल्स के वीडियोस बनाए हैं और अगर कॉन्सोनेंट्स के भी वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई है हमने, उन प्लेलिस्ट में आप उन वीडियोस को देखकर आसानी से आप कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स सीख सकते हैं जिसमें आपको हमने सारे रूल्स बताए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, लीड, ठीक है फ्रेंड्स। लीड वर्ड में भी आप देखिए वी का वोवल है यानी ई, हैवी साउंडेड ई आ रहा है यानी वी का वोवल है, और जॉइंट स्ट्रोक है एल और डी दो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं यानी दो स्ट्रोक है। सो आउटलाइन थ्रू दी लाइन बनेगी, सो एल की आउटलाइन बनाएंगे और डी की आउटलाइन बनाएंगे। सो एल और डी बना दिया हमने, ठीक है फ्रेंड्स, एल और डी। तो दूसरी आउटलाइन के पहले वोवल लगाएंगे बिकॉज इसमें जो जॉइंट स्ट्रोक है वो थर्ड प्लेस का वोवल है, वी का वोवल थर्ड प्लेस का वोवल होता है फ्रेंड्स। सो एल के बाद वोवल आ रहा है इसलिए हम दूसरी आउटलाइन के पहले वोवल लगाएंगे एज पर रूल, ठीक है। सो दूसरी आउटलाइन के पहले डार्क डॉट लगाएंगे, सो यहाँ पर हमने डार्क डॉट लगाया। तो इस वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करेंगे, ल ई और ड, ठीक है फ्रेंड्स, लीड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप रूल अप्लाई करते हुए अगर एग्जांपल को समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एग्जांपल सीखते हैं, लिड, एल और डी जॉइंट स्ट्रोक है और थर्ड प्लेस का वोवल है। यही रूल आपको ध्यान रखना है, अगर जॉइंट स्ट्रोक होता है और थर्ड प्लेस का वोवल होता है सो दूसरी आउटलाइन के पहले लगता है जो कि थर्ड प्लेस का वोवल होता है हमारा, ठीक है फ्रेंड्स। सो एल और डी की आउटलाइन अगेन बनाएंगे हम, एल और डी, ठीक है फ्रेंड्स। अब एल और डी की आउटलाइन बना दी और इसका वोवल है, सो जॉइंट स्ट्रोक होने की वजह से जो इसका वोवल होगा जो कि एक लाइट डॉट होता है वो हम दूसरी आउटलाइन के पहले प्लेस करेंगे थर्ड प्लेस पर, ठीक है फ्रेंड्स। सो यहाँ पे हमने एक लाइट डॉट लगा दिया जो कि ये हमारा इसका वोवल साइन है, ठीक है फ्रेंड्स। सो वर्ड हो गया ल इ ड, लाइट साउंडेड वोवल है। आपको ध्यान रखना है वोवल साइन को भी आपको लगाते टाइम लाइट और डार्क बनाना है उस साइन को, अगर लाइट और डार्क आप नहीं बनाएंगे अभी से तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप वोवल साइन जो होता है उसको लाइट और डार्क दोनों अच्छे से बनाइए, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल सीखते हैं, कीड, इसमें भी देखिए आप के डी दो कॉन्सोनेंट है और वी का वोवल है यानी थर्ड प्लेस वोवल है। तो अब आउटलाइन हम थ्रू दी लाइन बनाएंगे, सो अब देखते हैं कि अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक पहले आ रहा हो और नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रोक हो वो अगर डाउनवर्ड हो सो हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक को हम थोड़ा अबव द लाइन बनाएंगे और जो नेक्स्ट स्ट्रोक होगा उसको हम थ्रू द लाइन बनाएंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि वर्ड जो है वो थर्ड पोजीशन का वर्ड है। तो ये हमने यहाँ पे के और डी की आउटलाइन बनाई है, आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक को हमने लाइन से ऊपर बनाया है और जो डी की आउटलाइन है जो हमारी वर्टिकल आउटलाइन होती है उसको हमने थ्रू द लाइन बनाया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब एज पर रूल देखिए वोवल क्या कहाँ लगेगा, दूसरी आउटलाइन के पहले लगेगा बिकॉज जॉइंट स्ट्रोक है और थर्ड प्लेस का वोवल है। सो अब हम दूसरी आउटलाइन के पहले वोवल लगाएंगे, वी का वोवल साइन होता है डार्क डॉट, सो यहाँ पे हमने डार्क डॉट लगा दिया फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं क ई ड, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये वर्ड हो गया कीड, लॉन्ग साउंडेड वोवल है इसमें भी। नेक्स्ट एग्जाम्पल सीखते हैं, किल, के और एल और आई से पहचान है इस के वोवल की, लाइट साउंडेड है किल, काफी लाइट साउंडेड वोवल होता है ये इसका। अब आप देखिए फ्रेंड्स इसका वोवल है और जॉइंट स्ट्रोक है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अब जो के की आउटलाइन होगी वो हमारी हॉरिजॉन्टल आउटलाइन होती है, हमने आपको बताया है। तो अब हम आउटलाइन किस प्रकार बनाएंगे, जो के की आउटलाइन होगी वो हम बिलो द लाइन बनाएंगे यानी लाइन से नीचे रखेंगे उस आउटलाइन को इस प्रकार, के और एल को लाइन से ऊपर बनाएंगे यानी लाइन को क्रॉस करते हुए बनाएंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि ये वर्ड जो है थर्ड पोजीशन का वर्ड है यानी इस वर्ड में थर्ड प्लेस का वोवल आ रहा है और जॉइंट स्ट्रोक होने की वजह से जो वोवल साइन लगेगा वो दूसरी आउटलाइन के पहले लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो इसका जो वोवल साइन होता है लाइट डॉट होता है, तो लाइट डॉट लगाएंगे हम दूसरी आउटलाइन के पहले। सो इस वर्ड में दूसरी आउटलाइन है एल, एल से पहले हम एक लाइट डॉट लगा देंगे थर्ड प्लेस पे। सो ये वर्ड हो गया क ई और ल, सो वर्ड वर्क किल। इसके और भी कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग, जब जिस वर्ड में दो कॉन्सोनेंट आ रहे हो दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं और थर्ड प्लेस का वोवल होता है उसमें, तो ये वोवल की जो पोजीशन रहेगी वो दूसरी आउटलाइन के पहले लगती है हमेशा। सो इस रूल को आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ठीक है।
नेक्स्ट कुछ रूल और दिए गए हैं इस चैप्टर में, उन रूल्स को समझते हैं. द फर्स्ट अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक इन द आउटलाइन इंडिकेट्स द पोजिशन एज शोन इन द फॉरगोइंग एग्जाम्पल्स. ठीक है फ्रेंड्स, जो अभी तक हमने एग्जाम्पल्स सीखे हैं और जो आगे भी सीखेंगे उस चीज में आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो फर्स्ट अप स्ट्रोक या फिर डाउन स्ट्रोक हो सकता है वो इन द आउटलाइन इंडिकेट्स द पोजिशन, वही आपको पोजिशन बताएगा कि आउटलाइन जो है वो फर्स्ट पोजिशन की है यानी अबव द लाइन बनी है, या फिर सेकंड पोजिशन की होगी तो आउटलाइन ऑन द लाइन बनेगी, और अगर थर्ड पोजिशन की आउटलाइन बनेगी तो थ्रू द लाइन बनेगी. ठीक है फ्रेंड्स, सो आपको फर्स्ट अप स्ट्रोक और डाउनवर्ड स्ट्रोक से ही पता चल जाएगी कि आउटलाइन की पोजिशन कौन सी है, फर्स्ट पोजिशन है, सेकंड पोजिशन है या फिर थर्ड पोजिशन है. ठीक है फ्रेंड्स, अभी इस बुक में कुछ और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उन एग्जाम्पल्स को भी हम वन बाय वन करके सीखेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स अब कुछ नेक्स्ट रूल सीखते हैं हम, जो कि हमारे बुक में दिए गए हैं उस बुक के अकॉर्डिंग हम रूल सीखते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, सो आइए बोर्ड पर ध्यान देते हैं. सो हमारे पास रूल है, इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू राइट ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक थ्रू द लाइन. जैसे कि हमने आपको बताया है कि जो भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होते हैं हमारे, उनको हम थ्रू द लाइन नहीं बना सकते, वो प्रैक्टिकेबल नहीं है, बिकॉज अगर हम उनको थ्रू द लाइन बनाने की कोशिश करेंगे सो वो थ्रू द लाइन यानी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक ना रह के फिर वो स्लैंटिंग आउटलाइन हो जाएगी, यानी स्लैंटिंग स्ट्रोक हो जाएगा. सो ये प्रैक्टिकेबल नहीं है. सो उसके लिए हमें क्या करना है, देयर फोर इसीलिए, व्हेन एन आउटलाइन कंसिस्ट्स एंटायरली ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स, यानी इसका मतलब है कि जब किसी वर्ड में सारे ही स्ट्रोक जो हैं वो अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आ रहे हों तो इट इज रिटन इन द फर्स्ट पोजिशन, तो जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होंगे वो फर्स्ट पोजिशन में लिखे जाएंगे, यानी वो जो आउटलाइन बनेगी फर्स्ट पोजिशन में बनेगी, इफ द फर्स्ट साउंडेड वोवल इज ए फर्स्ट प्लेस वोवल. जैसे कि हमने आपको बताया फर्स्ट साउंडेड वोवल से ही डिपेंड होगा कि आउटलाइन की पोजिशन कौन सी होगी, फर्स्ट प्लेस यानी फर्स्ट प्लेस का वोवल होगा और तो फिर आउटलाइन हमेशा अबव द लाइन बनेगी, सेकंड प्लेस का वोवल होगा सो आउटलाइन ऑन द लाइन बनेगी, और थर्ड प्लेस का वोवल होगा तो आउटलाइन ऑन ऑब्लिक थ्रू द लाइन बनेगी. ये हम आपको बता चुके हैं. सो आपको यही ध्यान देना है कि जब किसी आउटलाइन में सारे स्ट्रोक्स जो होंगे वो अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हो तो वो फर्स्ट पोजिशन पे आउटलाइन बनेगी, इफ यदि फर्स्ट साउंडेड वोवल इज अ फर्स्ट प्लेस वोवल. अब आप ध्यान से समझिए कि यदि फर्स्ट साउंडेड वोवल होगा, अगर वो फर्स्ट प्लेस का वोवल होगा और जो वर्ड में जो आउटलाइंस में अगर जो भी स्ट्रोक्स होंगे अगर वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होंगे सो आउटलाइन फर्स्ट प्लेस पे यानी अबव द लाइन आउटलाइन बनेगी, जो कि फर्स्ट पोजिशन होती है. ठीक है फ्रेंड्स, आगे समझते क्या कह रहे हैं. इफ द फर्स्ट साउंडेड वोवल इज सॉरी इफ द फर्स्ट साउंडेड वोवल इज आइदर ए सेकंड और ए थर्ड प्लेस वोवल. ठीक है फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट साउंडेड वोवल या तो सेकंड प्लेस का वोवल होगा और या फिर थर्ड प्लेस का वोवल होगा सो आउटलाइन हमेशा ऑन द लाइन बनेगी, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है. अगर फर्स्ट साउंडेड वोवल फर्स्ट प्लेस का वोवल होगा सो और अगर सारे ही स्ट्रोक जो होंगे वो अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होंगे सो वो आउटलाइन जो होगी यानी अबव द लाइन बनेगी फर्स्ट साउंडेड वोवल होगा तो, और अगर सेकंड प्लेस का वोवल होगा या फिर थर्ड प्लेस का वोवल होगा और सारे ही स्ट्रोक जो है वो अगर वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होंगे सो आउटलाइन जो होगी हमारी ऑन द लाइन बनेगी. ये रूल के अकॉर्डिंग हमें यही सिखाया गया है. आप कुछ एग्जांपल्स से हम इनको सीखने की कोशिश करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, सो आप एग्जांपल पे ध्यान दीजिए. फर्स्ट वर्ड है मॉकिंग. अब आप ध्यान से समझिए, मॉकिंग में नॉट का वोवल है यानी ऑफ, लाइट ऑफ का साउंड है जो कि नॉट का वोवल होता है और फर्स्ट प्लेस का वोवल होता है. फ्रेंड्स अब इस वर्ड में आप देखिए एम के और इंग यानी तीन कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, दो या दो से अधिक कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, बट तीनों ही स्ट्रोक्स जो हैं ये हमारे एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स हैं और फर्स्ट साउंडेड वोवल है. सो एज पर रूल हमें बताया गया अगर फर्स्ट साउंडेड वोवल होगा और सारे स्ट्रोक हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होंगे सो आउटलाइन की पोजिशन अबव द लाइन बनेगी यानी फर्स्ट पोजिशन पे बनेगा आउटलाइन. सो हम आउटलाइन अबव द लाइन बनाएंगे बिकॉज इस वर्ड में जो वोवल का जो साउंड है वो एक फर्स्ट प्लेस वोवल है. ठीक है फ्रेंड्स, सो हम एम के और इंग की आउटलाइन जोड़ के बनाएंगे. सो एम के और इंग आप देख सकते हैं फ्रेंड्स तीनों ही स्ट्रोक जो है हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है और फर्स्ट साउंडेड वोवल है, इसलिए आउटलाइन फर्स्ट पोजीशन पे बनी है यानी अबव द लाइन.
सो देखेंगे फ्रेंड्स एम के बाद नॉट का वोवल है. सो नॉट का वोवल साइन जो होता है लाइट डैश होता है जो कि फर्स्ट प्लेस पर लगता है. सो हम यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे नॉट का वोवल साइन लगा देंगे जो कि एक लाइट डैश होता है फ्रेंड्स. ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं म अ क इंग यानी मॉकिंग. ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा आई थिंक. नेक्स्ट एग्जाम्पल सीखते हैं मेकिंग. अब आप देखिए फ्रेंड्स मेकिंग में वर्ड में जो वोवल है वो मे का वोवल है यानी ए हैवी साउंडेड है और ये कि ये वोवल हमारा सेकंड प्लेस वोवल होता है. सो रूल में यही बताया गया है एंड इन द सेकंड पोजीशन इफ द फर्स्ट साउंडेड वोवल इज आइदर ए सेकंड और ए थर्ड प्लेस वोवल. यानी अगर वर्ड में सारे स्ट्रोक जो है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हो और वोवल थर्ड प्लेस का वोवल हो या फिर सेकंड प्लेस का वोवल हो तो दोनों ही कंडीशन में आउटलाइन हमेशा ऑन द लाइन बनेगी. सो हम एम के और इंग की आउटलाइन बनाएंगे बिकॉज इस वर्ड में एम के और इंग तीन कॉन्सोनेंट आ रहे हैं. सो आप ध्यान देना ऑन द लाइन हमें आउटलाइन बनानी होगी. सो एम के और इंग. अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने के की आउटलाइन बनाई है एम और इंग के बीच में बिकॉज एम और इंग के बीच में के का स्ट्रोक है जो कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होता है. सो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होने की वजह से हमें इसको ऑन द लाइन बनाना है. सो आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा बिकॉज ऑन द लाइन बनाया है तो मे बी आप शायद देख ना सकें. सो एम के और इंग हमने तीन कॉन्सोनेंट जोड़ दिए हैं एज पर रूल. अब मे का वोवल देखिए आप एम के बाद में आ रहा है. सो मे का वोवल साइन एक डार्क डॉट होता है फ्रेंड्स. सो डार्क डॉट हम मे के बाद लगाएंगे सेकंड प्लेस पे बिकॉज सेकंड प्लेस का वोवल होता है. सो यहाँ पे हमने एक सेकंड प्लेस पे एक डार्क डॉट लगा दिया. सो आप वर्ड हो गया म ए क और इंग मेकिंग. ठीक है फ्रेंड्स, हम आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाते हैं जिससे कि आपको सीखने में कोई प्रॉब्लम ना हो और इनके सभी भी आपको समझ नहीं आ रहा हो तो वीडियो के एंड में आप कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल सीखते हैं मीक. सो एम और के देखिए फ्रेंड्स दो कॉन्सोनेंट है इसमें और वी का वोवल है यानी थर्ड प्लेस का वोवल है. थर्ड प्लेस का वोवल है बट एम और के दोनों ही हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हैं. सो रूल के अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होने के बाद अगर थर्ड प्लेस का वोवल आ रहा हो और आउट तो फिर हमें आउटलाइन हमेशा ऑन द लाइन बनानी होगी. सो एम बनाएंगे हम और के की आउटलाइन बनाएंगे. सो एक सेकंड थोड़ा हम वापस बनाते हैं इसको एम और के. आप देखिए फ्रेंड्स ये ऑन द लाइन बनाई है हमने आउटलाइन इसलिए थोड़ा आपको शायद समझ ना आए तो आप थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक जो होता है वो हमेशा ऑन द लाइन बनाया जाता है. सो दूसरी आउटलाइन के पहले वोवल लगाएंगे बिकॉज जॉइंट स्ट्रोक है तो दूसरी आउटलाइन के पहले हम डार्क डॉट लगा देंगे जो कि वी का वोवल साइन होता है. सो वर्ड हो गया म ई और क. थर्ड प्लेस का वोवल है और जॉइंट स्ट्रोक है इसलिए रूल हमारा थर्ड प्लेस का रूल इसमें एप्लीकेबल होगा. ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं कुक. के और के देखिए फ्रेंड्स हमने आपको सिखाया आप यहाँ से देखेंगे सी है और यहाँ पे के है. सो हमने आपको बताया साउंड शॉर्ट एंड जो है साउंड बेस्ड लैंग्वेज है. सो सी से क साउंड आ रहा है इसलिए हम के का कॉन्सोनेंट बनाएंगे. अब यहाँ पे के और के दो के की आउटलाइन बनेगी और डबल ओ से टू का वोवल आ रहा है सॉरी गुड का वोवल है इस वर्ड में. आप ध्यान दीजिए डबल ओ से गुड का वोवल है. सो गुड का वोवल थर्ड प्लेस का वोवल होता है बट दोनों ही कॉन्सोनेंट जो है हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है इसलिए आउटलाइन हमेशा ऑन द लाइन बनाएंगे हम. सो ऑन द लाइन अब यहाँ पे हमने बनाना ऑन द लाइन है बट यहाँ पे लाइन नहीं खींची आप ध्यान रखना थोड़ा. सो के और के यहाँ पे हमने दो के जोड़ दिए. अब ये जो स्ट्रोक है हमने ऑन द लाइन बनाया है यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑन द लाइन. आप थोड़ा ध्यान रखना बिकॉज अगर हम यहाँ पे लाइन बना देते और उसके ऊपर ये स्ट्रोक बनाते तो आपको समझ में नहीं आता तो इस चीज का ध्यान रखना. अब देखिए फ्रेंड्स दो के की आउटलाइन बन गई तो अब दूसरा के पहले वोवल लगेगा बिकॉज जॉइंट स्ट्रोक है और थर्ड प्लेस का वोवल है. सो अब दूसरी आउटलाइन के पहले वोवल लगाएंगे जो कि गुड का वोवल है इस वर्ड में. सो गुड का वोवल लाइट डैश होता है सो यहाँ पे हम लाइट डैश लगा दिया. सो वर्ड हो गया क फिर साउंड पढ़ेंगे उक और फिर हो गया क. जॉइंट स्ट्रोक है आपको ये भी चीज हमेशा ध्यान रखनी है जब भी किसी वर्ड में जॉइंट स्ट्रोक होते हैं सो हमें विदाउट लिफ्टिंग अवर हैंड वी हैव टू मेक दैट आउटलाइन. ठीक है फ्रेंड्स, सो बिना हाथ उठाए हमें दोनों ही स्ट्रोक को जोड़ कर लिखना होता है जॉइंट स्ट्रोक में. सो जैसा कि आपने यहाँ देखा होगा हमने सारे ही जो जॉइंट स्ट्रोक हैं दो आउटलाइन हो या तीन आउटलाइन हो चार भी हो सकती है बाद में. सो हमें जो भी आउटलाइन हमें बनानी है उसके लिए हमें हाथ को नहीं उठाना होता है. ठीक है फ्रेंड्स, सो आज का चैप्टर में हमने थर्ड पार्ट था हमारा वीडियो. तो इस चैप्टर के जो भी हमने बेसिक रूल्स और जो इम्पोर्टेंट रूल्स थे हमने आपको सिखा दिए हैं. नेक्स्ट वीडियो में हमारा एक्सरसाइजेस दी गई हैं इस चैप्टर में कुछ
उन एक्सरसाइजेस को सीखते हुए आगे हम शॉर्ट हैंड को सीखेंगे। सो अगर आपको आज के वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम लगी हो या कोई समझ में नहीं आया होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और अगर आपको हमसे ऑफलाइन भी शॉर्ट हैंड सीखनी है सो आप यहाँ पे हमको हमारा स्क्रीन पे मतलब कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई देगा, सो आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके हमसे ऑफलाइन शॉर्ट हैंड भी आके सीख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो आज का अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।